डिग्गे कल्याण जी री 54वीं लखी पदयात्रा आज जयपुर स्थित ताड़केश्वर मंदिर से शुरू हुई। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया व सर गलता पीठ रा पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य ने यात्रा ने रवाना की ना। यात्रा समिति रे अध्यक्ष श्रीजी शर्मा बतायो कि आज से शुरू हुई ये यात्रा 5 दिन में डिग्गी पुगेला। यात्रा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु शिरकत कर रहा है। डिग्गी कल्याण जी की यात्रा की शुरुआत हुई है और मैं ये मानता हूँ कि डिग्गी कल्याण की कृपा सब पर बनी रहे। डिग्गी कल्याण का अपना चमत्कार है। कल्याण जी महाराज के लिए कहा जाता है कि कोई कितना ही दीन दुखी बीमार हो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, अंधे को आंखें मिल जाती है, और ये कोई मैं कह नहीं रहा हूँ, ऐसा हुआ है। और कल्याण जी की मान्यता इतनी है कि मैं इतना कह सकता हूँ कल्याण जी कृपा करेंगे और एक बार फिर जबरदस्त बारिश होगी, जो बांध खाली रह गए वो भर जाएं। ताड़केश्वरनाथ भोलेनाथ के यहाँ से यात्रा निकली है। जब राजा राम को पावर चाहिए थी तब उन्होंने भी भोलेनाथ की पूजा की थी। तो हर यात्रा जब राम ने भोलेनाथ की पूजा करके और रावण को हराया था तो ताड़केश्वर जी की पूजा करके डिग्गी कल्याण की यात्रा शुरू होती है, तो ये बड़ा शुभ संकेत है। डिग्गी कल्याण जी की 54वीं यात्रा है। सन 1964 में रामेश्वर जी लोहे वाले ने पौत्र प्राप्ति के लिए यात्रा शुरू की थी। निरंतर वृद्धि होती गई, आस्था ऐसी उमड़ी कि आज लखी यात्रा हो गई है।